सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक व्यक्ति ने विचार किया, एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा बलवान मानता था, स्वयं पर बहुत ज्यादा घमंड था और उसको मरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मरने वाली चीज तो अपनी पसंद से होता नहीं है, मरना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने, अब काल्पनिक कथा है, एक बार यमराज जी आए, युवक था। तो यमराज जी बोले कि भैया तुम्हारा समय खत्म होता है, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तो भी चालाक था, कहता है कि मुझे चाय पीने की आदत है, थोड़ा एक बार चाय पी लूं फिर आप मुझे ले जाना। अब उसने चाय बनाया, उसने सोचा यमराज जी को सुला देता हूँ, नींद की गोली मिलाई, चाय बना के पिलाया। 2 घंटे बाद यमराज जी जगे। तो उसने, जब यमराज जी सो रहे थे, तो अपना नाम सबसे ऊपर से नीचे रख दिया, ऊपर से हटा के नीचे लिखा, ताकि मुझे बाद में जाने को मिले तो मैं कुछ अपना काम कर लूं। अब यमराज जी बोले, भैया तुमने मेरा बहुत सुंदर खातिरदारी करी, तुम्हारे भाव से मैं खुश हूँ। आज मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम को देख के, सिर्फ तुम्हारे लिए आज ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करता हूँ। देखो, हम करते वही जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान के नोटिस का कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी स्वयं है, समय है, भजन कर लो, अपने जीवन को सुधारो, नहीं तो फिर जीवन बेकार है। प्यार से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।